अच्छाई को भगवान की अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से हुआ, आपने अवसर प्रदान किया और हो गया, इस अच्छाई को भगवान की अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए, इसके लिए किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि आपकी जिंदगी में झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा में कमियों से मुक्ति करें। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे सुंदर और सभ्य तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। हम अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ वाले, उनमें से छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें। जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ निकल जाता है। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो आप में, जिन्हें आप सोचते कि ना जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति विल पावर घटेगी, और जब विल पावर घटेगी तो कोई भी जिंदगी के काम में सफलता आपको प्राप्त ना हो पाएगी। न करना अच्छा है विल पावर वायदा, लेकिन वायदा करके पूरा न करना बहुत खराब है। वायदा करें, जरूर पूरा करें। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बाद विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहने जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्य का प्रकाश नजर आएगा।
सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोने से पहले आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब सो के उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी के ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में बदल जाते हैं। बात क्या है, मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग ग्रस्ती हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं तो उसी की चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप 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 करता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है, मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। यदि आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने का समय परमात्मा की याद में बदल जाएगा, आपका अपना हो जाएगा।